अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट्स क्या है और आप लोगों को कब तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, आज रात तक की दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट्स हम लोग लेने वाले हैं और ऑर्डर कितनी देर में दोस्तों जारी हो जाएगा उस पर भी हम बात करेंगे। ऑर्डर दोस्तों आपकी कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होने वाला है, तो आप लोग दोस्तों पूरी तरीके से तैयार रहिए, किसी भी वक्त ये ऑर्डर जारी हो जाएगा। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक दोस्तों ऑर्डर आ चुका हो। तो दोस्तों आपको एक कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया गया होगा, उसको लिंक को जरा ओपन आप लोग करके जरूर देखिएगा। अगर ऑर्डर आ गया हो गया मतलब दोस्तों अगर ऑर्डर आ गया होगा तो उस लिंक के जरिए आपको सबसे पहले आप ऑर्डर पढ़ सकेंगे और हिंदी में पूरी तरीके से उसमें विस्तृत जानकारी दी गई होगी। अब दोस्तों हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर लेते हैं। काफ़ी देर से हम लोग परेशान हैं ऑर्डर कब तक आएगा, लेकिन दोस्तों उसके बाद हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हमें जुलाई तक ज्वाइनिंग संभव है। जी हाँ दोस्तों, जुलाई में आप लोग को ज्वाइनिंग संभव हो सकती है। मतलब जुलाई से पहले तो नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन जुलाई में आप लोग को नौकरी मिल सकती है। इस बीच रिजल्ट और आंसर की को जारी किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करने वाले एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जाने किस कटा पर आपको मिलेगी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इतना परेशान तो हो रहे हैं, सुबह से आप लोग लगे हुए हैं। काफ़ी बच्चों ने हमें मैसेज किया, सर हमने अभी खाना नहीं खाया, हमने पानी नहीं पिया। अरे दोस्तों इतना मत करो यार, खाते पीते रहो और आप लोग को देखिए थोड़ी देर में आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग परेशान मत होइए, जो ऑर्डर आने वाला है हमें पता है। सुबह से जो बच्चे इस राह में खाली बैठे होंगे कि ऑर्डर कब जारी होगा, तो हमें पता है कि उनकी एक्साइटमेंट कितनी ज़्यादा है और वो बच्चे कितना ज़्यादा परेशान है। काफ़ी बच्चे काफ़ी टेंशन में हमें लग रहे थे, तो हमने काफ़ी बच्चों से भी फिलहाल बात तो हुई है। तो आप लोग को दोस्तों ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल में जैसे ही ऑर्डर आएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट दे देंगे, वेबसाइट पर अपडेट आ जाएगा दोस्तों, काफ़ी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो आप लोगों को दोस्तों फिलहाल में परेशान नहीं होना है। देखिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है कि जाने किस कटा पर आपको मिलेगी नौकरी। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस समय है दोस्तों, क्योंकि मान लेते हैं अगर ऑर्डर आ भी जाता है तो क्या आपको नौकरी मिलेगी या नहीं। उसके बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात होगी कि जाने किस जिले की मेरिट कितने जाएगी और सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग होगी सेफ जो। जी हाँ दोस्तों, देखिए आप लोग इन तीन पॉइंट्स को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है अगर आप लोग नौकरी के दायरे में आ रहे हैं तो। तो दोस्तों वो सबसे चीज़ तो आइए थोड़ी देर में ऑर्डर अपडेट कर देंगे, आप लोग परेशान मत होइए। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ का मतलब होता है दोस्तों अभी हमें जो थोड़ी देर में फैसला आएगा ना, 60-65% या 40-45%, ये आपके दोस्तों पासिंग मार्क है ना कि कट ऑफ। ठीक है, तो 60-65 में दोस्तों आपका पासिंग मार्क होगा 90 से 97 नंबर और 40-45 में दोस्तों होगा आपका 60 से 67। तो दोस्तों ये कुछ आपके पासिंग मार्क आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो अगर कटाप कुछ ऐसी होगी तो दोस्तों आपको ऐसे कुछ पासिंग मार्क देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ होगी, जो है 90 नंबर पासिंग मार्क होगी वो आपकी जनरल कैटेगरी की सिर्फ होगी और 97 में ओबीसी एससी और एसटी तीनों कैटेगरी के बच्चे आने वाले हैं। अब दोस्तों बात आती है कि किस कटाप पर मिलेगी नौकरी। दोस्तों अगर हम मानते थोड़ी देर के लिए 60 और 65 की जीत होती है यहाँ पर, 60 और 65 दोस्तों ये फाइनल कटाप आपकी जारी कर दी गई, फाइनल पासिंग मार्क 60 और 65 है। तो दोस्तों उसमें आप लोग की चार श्रेणियाँ हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी के बच्चे, जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा परेशान है, अगर 40-45 होती है तो समझ लीजिए एक तरह से पूरा जनरल क्लियर हो जाएगा, मतलब नौकरी के लाले पड़ जाएंगे, इतने कम दोस्तों इनको नौकरियां मिलेगी। उसका कारण ये है कि दोस्तों अधिक से अधिक शिक्षा मित्र पास होंगे और जनरल की सीट को स्वैप कर जाएंगे, मतलब इनकी सीट को लेकर चले जाएंगे वो, बस इतना आप लोग समझ सकते हैं। 60-65 पर दोस्तों जो जनरल के बच्चों के लिए जो सेफ जोन होगा, कम से कम उनको 65 अंक दोस्तों चाहिए होगा, 65 से अधिक गुणांक बनेगा तो वो नौकरी पा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग तुरंत के तुरंत देखिए चलिए एक कॉलम बनाते हैं जहाँ पर आप लोग को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा, 60-65 वर्सेस 40-45 का। ठीक है, तो एक और कॉलम होगा दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर लिखी हुई कैटेगरी, यहाँ पर हमने लिख दिया कैटेगरी। सबसे पहले दोस्तों बात आती है जनरल कैटेगरी की। तो दोस्तों अगर जनरल कैटेगरी में 60 और 65 पासिंग मार्क पर अगर नौकरी दी जाती है तो कितना होगा इसको समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जनरल में, तो जनरल में दोस्तों 60 और 65 पर इनको चाहिए होगा 65 से अधिक नंबर का गुणांक, इनको नौकरी मिल सकेगी। अब दोस्तों 40 और 45 में बात करते हैं तो इनको चाहिए होगा कम से कम 74 से अधिक अंक का गुणांक। अगर 74 से कम है दोस्तों तब तो बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आपको एक चीज़ और बता देते हैं, एक शिक्षा मित्रों का कॉलम ले लेते हैं जिसमें आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए दोस्तों अगर कोई शिक्षा मित्र होगा, अगर उस शिक्षा मित्र के सिर्फ 70 अंक बनते हैं पेपर में, तो उसके दोस्तों 74 अंक का गुणांक बनता है। मतलब कोई शिक्षा मित्र 70 अंक सुपर टेट में पाकर उसका ओवरऑल जो गुणांक बनेगा 74 के करीब बनेगा, तो कितना मुश्किल होगा दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों अब हमारी बारी आती है ओबीसी कैटेगरी के लिए, जो यूपी में सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो इनकी दोस्तों जो कटाप जाएगी कम से कम इनको 62 से लेकर 65 अंक के बीच में इनकी कटाप हो सकती है मिनिमम। 60 और 65 कटाप में दोस्तों हम बात कर रहे हैं,
अब 240 और 45 में इनके जो कम से कम इनको चाहिए मिनिमम 65 अंक का गुणांक ही होगा, मतलब 3 अंक का गुणांक दोस्तों यहाँ सीधे डिफरेंट डिफर कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षा मित्रों की संख्या सभी को मिल जाएगी नौकरी, ओबीसी में इनको कोई दिक्कत नहीं, ना जनरल में दिक्कत है। अब दोस्तों बात करते हैं कि एससी कैटेगरी में क्या हो सकता है, सेफ जोन क्या होगा। दोस्तों अगर हम 60 और 65 कैटेगरी में बात करें तो एससी कैटेगरी के बच्चे सिर्फ 60 अंक में नौकरी पा सकते हैं 60 और 65 में। अब दोस्तों 40 और 45 में हम बात करते हैं तो इनको कम से कम 60 से लेकर 65 के बीच में अंक चाहिए होंगे, मतलब इससे थोड़ा गुणांक ज़्यादा चाहिए होगा दोस्तों। 60 और 65 में दोस्तों बहुत ही आसानी से एससी कैटेगरी के बच्चे नौकरी पा सकेंगे, लेकिन 40 और 45 में इतना आसान नहीं होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारी लास्ट कैटेगरी जो आती है, वो एसटी कैटेगरी आती है। एसटी में दोस्तों सिर्फ बच्चे इसमें पासिंग मार्क हो जाएंगे तब भी इनको नौकरियां मिल जाएंगी। 60 और 65 गुणांक दोस्तों रहता है हमारा, तो एसटी कैटेगरी के बच्चे सिर्फ पास होना जरूरी है, ये नौकरी पा सकेंगे। और दोस्तों यहाँ पर इनको कम से कम 60 से लेकर 55 इनके बीच में दोस्तों इनका गुणांक रहने वाला है 40-45 कट ऑफ पर। तो दोस्तों आज हमने देख लिया कि अगर कट ऑफ 60-65 रहती है या 40-45 रहती है तो किस आधार पर, किस बेसिस पर आपको नौकरी मिलेगी। तो आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस रेंज में आते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इससे ज़्यादा कम आते हैं तो आप लोग के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना दोस्तों। हमारा एक पॉइंट था कि जाने किस जिले की मेरिट कितनी जाएगी, तो दोस्तों हर एक जिले की मेरिट अलग अलग जाएगी। हो सकता है दोस्तों कि एक जगह जनरल की मेरिट चली है, हम मानते हैं खाली कि एक जगह दोस्तों जनरल की मेरिट आपकी जा सकती है, 80 अंक से कम गुणांक का बच्चा नौकरी नहीं पाएगा। और दोस्तों एक जगह हो सकता है जनरल की मेरिट सिर्फ 70 अंक का गुणांक जाए। तो ये सब आपको अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे कि और क्या हो सकता है शिक्षक भर्ती में। लेकिन दोस्तों अच्छी बात ये थी कि जुलाई तक अगर सरकार भी चाह रही है कि आप लोग को ज्वाइनिंग करा दी जाए, तो दोस्तों जुलाई में जैसे ज्वाइनिंग होती है तो आप लोग के लिए काफ़ी अच्छी खबर होगी तब से, क्योंकि कम से कम आप लोग के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा दोस्तों, मतलब आप लोग कार्यरत हो जाएंगे। जो बच्चे अभी काफ़ी दिन से परेशान थे, बेरोजगारी का बोझ लेकर घूम रहे थे, तो उनके लिए दोस्तों काफ़ी अच्छी और गुड न्यूज़ होने वाली है, तो जुलाई तक ज्वाइनिंग संभव है। अब दोस्तों एक चीज़ और याद रखिए, शिक्षक भर्ती में काफ़ी चीज़ें आप लोग को, जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब भी आप लोग को तैयार रखना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी डॉक्यूमेंट्स की अगर कमी होगी तो दोस्तों आप लोग उसको सुधार करिएगा, जल्द से जल्द उसको मतलब पूरा कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना कभी कभी, तो जितने आपने प्रमाण पत्र ये सब लगा रखे हैं दोस्तों सब होना चाहिए। एक डॉक्यूमेंट्स के लिए वीडियो अलग से बना दी जाएगी, आप लोग परेशान मत होइए दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज का अहम मुद्दा ये है फिलहाल हमारा कि ऑर्डर कोर्ट की साइट पर अपलोड होने वाला है और कब तक हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ऑर्डर आना बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर के बाद ही दोस्तों काफ़ी चीज़ें दिशा निर्देश जारी होंगे कि क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों अगर नौकरी देने की बात ऑर्डर में लिखी होगी, या जैसे कि मतलब आपकी शिक्षक भर्ती को रोका ना जाए और तुरंत शिक्षक भर्ती को समाप्त किया जाए, या दोस्तों ऐसा कुछ लिखा होगा कि अंतरिम फैसले पर मतलब इस शिक्षक भर्ती को आगे बढ़ने दिया जाए, तो आप लोग की शिक्षक भर्ती संभव है। अब दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कि कितनी सीट किसके लिए रिजर्व की जाती है। काफ़ी बातें हो रही थी शिक्षा मित्रों के लिए 10,000 सीट रिजर्व कर दी जाए, 12,000, 15,000, 20,000। तो दोस्तों आप लोग ऐसे अफवाह पर ध्यान मत दीजिए फिलहाल के लिए। और एक सबसे अहम मुद्दा है यहाँ पर कि काफ़ी बच्चे ये परेशान हो रहे हैं कि याची लाभ मिलेगा। फिलहाल दोस्तों दोनों पक्षों ने क्लियर किया कि याची की बात कहीं पर नहीं की गई है। तो दोस्तों अगर याची की बात नहीं हुई तो आप लोग इससे परेशान मत होइए कि जो बच्चे याची होंगे सिर्फ उन्हीं को फायदा होगा। देखिए दोस्तों ये देश है, समानता का अधिकार है, इक्वालिटी है देश में। ऐसा दोस्तों कहीं भी कोर्ट को भी नहीं करना चाहिए कि सिर्फ उनको लाभ दिया जाए जो याची है। दोस्तों कोर्ट जरूर समझेगी इस बात को कि जो बच्चे अगर याची बनना भूल गए, नहीं बन पाए, जो बच्चे कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए, तो उनके साथ दोस्तों कोई भी गलत चीज़ नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइए, थोड़ी देर में ऑर्डर अपलोड हो जाएगा। और आप लोग दोस्तों सारी अपडेट्स आज की शिक्षक भर्ती की आप लोग कहाँ से ले सकते हैं, देखिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाके ले सकते हैं, जिसके नाम है SIRKARI सरकारी, ठीक है, रिजल्ट RESULT.IN सरकारी RESULT.IN पर दोस्तों आपको पल पल की अपडेट्स मिलती रहती है, आप लोग दोस्तों वहाँ देख सकते हैं। और जो भी अपडेट्स आएगी सबसे पहले दोस्तों इस वेबसाइट पर आती है, उसके बाद यूट्यूब पर आती है, तो आप लोग दोस्तों वेबसाइट पर भी विजिट करते रहिए। तो YouTube पर भी दोस्तों थोड़ा वीडियो बनाने में समय लग जाता है, इसलिए 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग दोनों जगह से आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले कलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों देखते हैं कब तक आपके शिक्षक भर्ती में और भी क्या रंग आने वाले हैं। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग परेशान मत होइए। तो सभी बच्चों ने जिन्होंने अभी तक खाना वाना ना खाया हो तो पहले खाना वाना खाए जाके। काफ़ी बच्चों के हमें ऐसे मैसेजेस मिले दोस्तों, इसलिए हमने ये बात कह रहे हैं वीडियो में। आप लोग दोस्तों इतना भी टेंशन मत लीजिए, परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करिए, भगवान पर भरोसा रखिए और जय श्री राम कहिए, या जो भी आपके भगवान आप जिस पर भरोसा उसका नाम लीजिए। आप लोग की जीत जरूर होगी दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड फिर मिलेंगे।